जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस में एक जबरदस्त खबर है कि डीए में होगा जबरदस्त उछाल, और ये आज तक में प्रमुखता से ये फ्लैश हो रही है न्यूज। दूसरी बात करते हैं, पेंशन एक गंभीर मसला बनता जा रहा है, ये कहा है जनरल साहब ने। आखिर क्या है इसमें, क्या कहते हैं, वन रैंक वन पेंशन की जगह ऑल रैंक नो पेंशन, ये चल रहा है ट्विटर पर मजाक। खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं डीए में उछाल को लेकर। आज तक ने आपने देख सकते हैं इसके स्क्रीनशॉट को, उन्होंने कहा है कि जुलाई में जोरदार बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि महंगाई का इन्फ्लेशन रेट है काफी हाई हो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल करना तो मुश्किल है। बट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रात भरी खबर होगी कि आपका डीए है वो काफी हद तक बढ़ सकता है। और इसके साथ ही मार्च के आपके आंकड़े आ गए, आईसीपीएन के आंकड़े जो जारी, जो आपने आप देख सकते हो इस न्यूज में, पता चल रहा है कि इसमें जबरदस्त उछाल आई है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कम से कम 4% और ज्यादा से ज्यादा 7% डीए बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है, हमें करना होगा बस जुलाई तक इंतजार। दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं कि पेंशन का नाना दोस्तों, अप्रैल महीने में अब पता चला है आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कई अफसरों की पेंशन नहीं आई, लेफ्टिनेंट जनरल जनरल रैंक के, उनमें से एक जनरल साहब ने कहा है कि ये जो स्पर्श है गंभीर मसला बनता जा रहा है। आज की स्थिति तो यह है कि कम से कम 1 लाख जवानों की पेंशन नहीं आई, और आगे भविष्य में जब ये माइग्रेशन का सिस्टम होगा और उन लोगों का माइग्रेशन होगा जो आज से 20 25 30 35 साल पहले रिटायर्ड हुए थे, उनके डाटा मिलना और स्पर्श के साथ माइग्रेट करना बहुत प्रॉब्लम होगी, और इस गंभीर समस्या का समाधान सरकार को खोजना होगा, नहीं तो होगी जवानों को समस्या। एक ट्वीट पर बड़ा मजाक चल रहा है, जैसे ये राहुल गांधी ने लिखा है वन रैंक वन पेंशन तो मोदी सरकार ने दिया नहीं, आखिरकार दिया तो ऑल रैंक नो पेंशन, यानी सभी के लिए पेंशन ही इस महीने बंद हो गई है। और इसका जो विपक्षी पार्टी खूब मजा ले रही है, ट्वीट चल रहा है, मीम चल रहा है, आप देख सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, ये गवर्नमेंट की फेलियर कह सकते हैं। आपने स्पर्श को इतनी जल्दी माइग्रेशन का काम किया, आपने सीपीपीसी के डाटा बंद कर दिए और सीधा आपने पीसीडी के साथ जोड़ना, जबकि उसके लिए ये मेंटली तैयार नहीं थे, उसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।